हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिजाइन मेन्यू की। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग मेन्यू की बात कर रहे हैं। मेन्यू बार हमारा चल रहा है, तो मेन्यू में हमने अभी तक जो है होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, या आप मेन्यू कहें या फिर आप टैब भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने होम और इंसर्ट को इससे पहले दो लेक्चर बताया है, और उससे दो पहले लेक्चर है मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया हुआ है, और सेकंड जो लेक्चर था हमारा वो था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। वो चार लेक्चर को मैं यहाँ पर आई बटन के क्लिक पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, उसको जाके एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग जो थर्ड मेन्यू है हमारा डिजाइन मेन्यू, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है वहां पे जाके आप क्या करिएगा, ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डिजाइन मेनू का क्या काम है और कैसे आपको इस पर वर्क करना है, कैसे इसको आप यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि इस पर्टिकुलर जो टेब होता है, चाहे वो होम हो इंसर्ट हो, उन सबको एक स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। जैसे इंसर्ट मेनू में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें आप अपने स्लाइड में, प्रेजेंटेशन किससे मिलके बनता है, बहुत सारे स्लाइड एक साथ मिलके एक प्रेजेंटेशन बनता है। तो स्लाइड में जब आपको पिक्चर डालना था, ऑडियो वीडियो मतलब मीडिया क्लिप डालना था, सेव डालना था, चार्ट डालना था, आपको पोर्टल में बनाना था, उन सब चीजों को इंसर्ट करने के लिए, स्लाइड में जोड़ने के लिए हम इंसर्ट मेनू पढ़े। आज है बात डिजाइन की, तो डिजाइन नाम सुनते आपके दिमाग में आ गया होगा कि डिजाइन किससे संबंधित है, क्या क्या काम करेंगे। तो आप जो पेज सेटअप करेंगे, ठीक है, जो स्लाइड है वो भी एक प्रकार का आपका पेज है। तो उस जो आपका स्लाइड का पेज है वो कैसा दिखना चाहिए, उसका क्या, जैसे आपने A4 सुना होगा, A3 सुना होगा, इसमें रेशियो रहता है, 4:3 का रेशियो है, 16:99 का रेशियो है। इस प्रकार से पेज का सेटअप कैसे करना है, थीम लगाना है, अलग अलग प्रकार का थीम आपको मैं दिखाऊंगा, थीम को उपयोग करके आप एक स्लाइड को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आप स्लाइड बना रहे हैं उसके बैकग्राउंड से संबंधित तो क्या क्या चीजें आप उसमें चेंज कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। यदि आप पावर पॉइंट पर काम करना चाहते हैं और डिजाइन पे ही काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, Alt+G बटन दबा लीजिए, या आप माउस के प्रयोग से भी कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इससे पहले मैंने जो होम के लिए जो शॉर्टकट बताया था, होम टैब को कैसे इनेबल करेंगे वो, और इंसर्ट टैब के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो, आप उन दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दोनों के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ कौन से बटन यूज करके आप बनाएंगे। तो चलिए मैं ना आपको वहां पे ले चलता हूँ। ये देखिए, अभी मान लीजिए हम आगे, आप ये मेरा डिजाइन सेक्शन है, ठीक है। अभी यदि इसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, Alt+G करेंगे तो ये देखिए आपका शॉर्टकट इनेबल हो गया है। आप इन बटन का प्रयोग करके जो है की का यूज कर सकते हैं। पेज दबाएंगे तो पेज सेटअप भी आएगा, ऊपर है तो ओरिएंटेशन भी आएगा, ठीक है। तो वो करूंगा तो देखिए आप सेलेक्ट हो गया ना, दो प्रकार का होता है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो ये हो गया आपका कि आप जो है शॉर्टकट की Alt+G दबा लीजिए, या फिर आप माउस को यूज करके देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे कैसे, ठीक है ना। ये देखिए मैं अभी होम पे था, डायरेक्ट Alt+G किया तो आपका जो है डिजाइन मेन्यू में ऑटोमेटिक वो पहुंच गया, क्लियर है क्या। और यदि आपको देखना है कि इसमें, तो मैं आपको यह देखिए, यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा दिया है, जहाँ पर आपके देखिए डिजाइन, ठीक है, ये जो पहली वाली जो पट्टी है होम डिजाइन इंसर्ट, आपका इंसर्ट है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, ये आपका मेन्यू बार है, ये एन नंबर ऑफ मेन्यू है आपके। और प्रत्येक मेन्यू ये वाला जो सेक्शन है जो जिसको रिबन से प्रदर्शित करती है, जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाला एरिया रहता है आपका सब मेन्यू का, या यूँ कहें कि जितने भी आपके मेन्यू होते हैं उनके अलग अलग टैब होते हैं। जैसे पेज सेटअप टैब है, ये थीम्स है, ये बैकग्राउंड है, और उनके अंदर और भी उनके अलग अलग काम रहते हैं। ये देखिए मैंने इसको ही लिख दिया है कि ये जो आपका पावर पॉइंट में जो डिजाइन ग्रुप होता है, ये वाला हमारा जो ग्रुप है, उसको जो है अलग अलग काम के अलग अलग भाग में बांटा गया है। ये इसके अलग अलग टेप्स हैं, और प्रत्येक जो टेप होता है उनका अलग काम, पेज सेटअप करना है भाई तो आप इन दोनों का यूज करेंगे, पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन। वैसे आप यदि थीम देख लीजिए, अलग अलग प्रकार का थीम है, एकदम देख लीजिए व्हाइट है, ये ब्लैक है, और आपको कलरफुल में सब कुछ करना है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, फंड को चेंज कर सकते हो, इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। और जो थर्ड है आपका क्या है कि बैकग्राउंड है आपका, तो बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया है, तो
यदि आप डिजाइन पे काम करते हैं या डिजाइन टैब पर जा रहे हैं, आपको टोटल 3 ग्रुप मिल जाएंगे, सेटअप ग्रुप, एक्सट्रीम्स और एक हो गया आपका बैकग्राउंड। एक एक करके देखते हैं कि बेस सेटअप में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो इस जो ये जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप का जो जो भी कमांड आपका रहेगा, जो भी इसका आपका जो बटन दिया रहेगा, उसका कैसे उपयोग करेंगे, तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि आप पेज को सेट करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो है इफेक्टिव है। आप इसको प्रयोग करके आप जो है पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा सेटिंग है, तो बात करें पेपर का साइज, तो मैं दिखाऊंगा पेपर का साइज, स्लाइड कैसे बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप जो है इसका पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको कहाँ से होता है, पेज सेटअप से होता है। इसके अलावा इसमें देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, ओरिएंटेशन के अंतर्गत प्रेजेंटेशन का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा। ये नया वर्ड है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। चलिए वैसे तो मैं बता दूंगी, 2 प्रकार का होता है ओरिएंटेशन, और आपका जो एक होता है फुटप्रिंट और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, चलिए तो मैं पहले आपको वही ले चलता हूँ। हम डिजाइन में गए, सबसे पहला आपका पेज सेटअप था, ये देखिए आपका पेज सेटअप वाला कर्सर पर फोकस करिए, यही है आपका। ये देखिए आपका पेज सेटअप पहला ऑप्शन है, पेज ओरिएंटेशन है। पेज सेटअप पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ, स्लाइड साइज फॉर। ठीक है, तो आप यहाँ पेज सेटअप पे क्लिक करिए, ये बताता है बेटा आपका कि जैसे देखिए ये जो स्लाइड है ना, तो इसका आपका एक रेशियो रहता है, मतलब उसका साइज बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने 16:9 मतलब 16:9 मतलब ये देखिए ये मेरा लंबाई और चौड़ाई, मतलब इसका जो है उसका रेशियो है लंबाई चौड़ाई का, कि भाई स्क्रीन पे कितने करेगा इसको। आप जैसे मैं 16:9 का यूज कर रहा हूँ, तो देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे 4:3 का होता है। ठीक है, क्योंकि मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये 4:3 का हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ उसका, तो ये देखिए यहाँ पे जूम लेवल मैंने आपको बताया हुआ है क्या। तो ये देखिए पावर पॉइंट का अधिकतम जूम लेवल होता है बेटा आपका 400% तक आप जूम कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अधिकतम कितने प्रतिशत आप कर सकते हैं। तो आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका पेज जो आपका रेशियो है वो कैसे दिखेगा, 4:3 में करना है कि 16:9 में करना है कि 16:10 में करना है, या इसी में आपको ऑप्शन आ जाता है बेटा कस्टम का, जिससे आप यूजर चाहे तो उसको आवश्यकता अनुसार अपना अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब जो आपके जो विड्थ है आपका ऊंचाई और हाइट आपको ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई किस तरह की यहाँ पे इंच में है, आप इसे कम ज्यादा इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। मैं अपना जो यूज करता हूँ जो रेशियो वो 16:9 का है, तो मैं 16:9 यहाँ पे सेट करके यहाँ पे देखिए वो इंच में आपका विड्थ और हाइट को ले लेता है। ठीक है, क्या इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं इसको नॉर्मल ले आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए पहला पॉइंट आप पढ़ पा रहे होंगे कि जहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है पेज सेटअप में, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्लाइड साइज फॉर। तो यहाँ पर होता है बेटा आपका ये आपका कहलाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ पे बहुत सारे लिस्ट रहते हैं जिसमें आप जिस पर काम करना चाहते हैं उसको आप ऐसा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाता है। तो जैसे ही आप पेज सेटअप में जाएंगे, आप उसे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा, जहाँ से आप अपने सहूलियत के हिसाब से साइज आपको पसंद हो उसको ले लीजिए। इसी में यदि इसमें पसंद नहीं आ रहा है तो ये रिकमेंड कीजिए कस्टम का सिलेक्शन करके विड्थ और हाइट बॉक्स में लंबाई चौड़ाई को आप फिक्स करके अपना यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए नंबर स्लाइड, यहाँ पे आप देखिए नंबर स्लाइड फॉर्म जैसे क्लिक करेंगे बेटा वो 1 से आएगा। ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1 से आ रहा है। अब आप पेज सेटअप में जाइए और इसको आप यदि 2 करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो दूसरा ले लेंगे, क्योंकि पेज का नंबर आपको दूसरा आ रहा है। जैसे ही मैं Ctrl+N करूंगा, ठीक है, ये आपका Ctrl+M कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं गया और ये देखिए अभी ये देखिए दूसरा नंबर का साइड है, क्योंकि मैं 2 का Ctrl+M करता हूँ मैं, ये देखिए मतलब 2 से शुरू हो रहा है। समझ गए क्या, जहां से आप नंबर कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, 2 से तो 2, 3, 4 आ रहा है, आप इसको 1 करेंगे तो 3 करेंगे तो 3, 4, 5 हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, आप इसको क्या रखें हमेशा 1 से रखिए, तो जहां से आप करेंगे वहीं से आपका साइड का नंबर शुरू होगा 1, 2, 3। क्लियर है क्या, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। नेक्स्ट आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैं आपको दिखा दूँ, यही देखिए ओरिएंटेशन, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए मेरा लैंडस्केप है,
अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ कि इसमें होता कैसा है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने वैसे आपको ये वर्ड में भी बताया हुआ है बेटा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो लंबाई और चौड़ाई में ये जो है आपका क्षैतिज रखा हुआ है, ओरिजेंटल वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है। आप ये देखिए डिफरेंस आपको यही सीख रहा होगा जी। ये देखिए ये बेटा आपका क्या, ये देखिए आपका ओरिएंटेशन वन, इसमें पोर्ट्रेंट कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल। और ये देखिए ये लैंड, ठीक है, क्या डिफरेंस, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस चीज को, और आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं केजी ओरिएंटेशन में जाते हुए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, इसीलिए उसको दोनों जगह पे दिया गया, क्लियर है क्या। चलिए मैं इसको थोड़ा सा दीजिए, इतना ले आता हूँ। तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा, और इसी में देखिए ये तो आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपको केस सेटअप में ही तीन ऑप्शन आ गया। ये देखिए यहाँ से ये पहला हमारा साइज पर वाला यहाँ से मिल गया, नंबर वाला नंबर स्लाइड फ्रॉम यहाँ से मिल गया, और ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी आ गया। यहीं पे देखिए जो नोट और हैंड आउट होता है, हैंड आउट एक अलग ही चीज है। चलिए ऐसे भी थ्योरी की तो बता देता हूँ, जैसे क्या होता है कोई प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जैसे सेमिनार वगैरह होता है तो वहां पे प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और सबको ऐसा पर्ची बांट देते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट वाला स्लिप, जहाँ पे आप क्या होता है कि आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट निकाल के जितने भी यूजर वहां पे देख रहे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल के उनके हाथ में दे देते हैं, ताकि उसको रीड भी कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हैंड आउट। तो यहाँ पे भी हैंड आउट की सेटिंग को आप क्या करते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कर सकते हैं। यदि हैंड आउट भी आपको ऐसी चीज जैसा है तो आप उसको लैंडस्केप यहाँ से भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। और जो सेकंड ऑप्शन है स्लाइड ओरिएंटेशन, उसको भी मैंने आपने लिखे, इस ऑप्शन से आप अपने पेज के स्लाइड ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं, और यदि पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो है, देखिए ये जो है आपका लैंडस्केप में है, तो ये आपका लैंडस्केप में शो हो रहा है, क्लियर है क्या। तो वेज सेटअप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप एक बार इसको करके जरूर पूछते, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थीम्स की बात करें, ठीक है। चलिए थीम्स क्या कहता है, तो आपके जैसे देखो मैंने जो प्रेजेंटेशन यूज किया है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, देखिए ये छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सभी की सभी दिख रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, थीम में कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे काफी दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड पे आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो जा रहा है। इस प्रकार से क्या थीम, जैसे मोबाइल में आपको लगाते हैं ना थीम चेंज करते हैं, वैसे ही आपका थीम है। तो आपको जो भी पसंद है, आपको ये पसंद है जितना बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिला है आप उसको भी कर सकते हैं। यदि नया चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है आईएमएस ऑफिस में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपको थीम भी करेगा, तो यूजर अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग थीम के इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको ये थीम पसंद नहीं है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए थीम का एडवांटेज ये जितना भी रहेगा आपका सबका सबका जो है एक ही जैसा रहेगा। अगर आप थीम सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरे पेज के लिए एक जैसा है, ठीक है। जैसे देखिए ये करके मैं इसको चेंज कर करके आपको दिखा रहा हूँ, नहीं ना। अब यदि आपको जैसे मान लीजिए मैं इसे बता, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, रहता है तो अलग अलग कलर है, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा नाम, ये कलर से जो थीम आप सेलेक्ट करते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। थीम की जो लिखावटें हैं वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलेबरी बॉडी है, फ्रंट कैलेबरी है, ये एरियल है, तो सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें चले जाएगा जी, ठीक है। देखिए यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका फ्रंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और थर्ड वाला देखिए इफेक्ट की बात करेंगे, एक इफेक्ट है अलग अलग आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझना है आपको कि यदि आप चाहें तो थीम जो है आपका, थीम को आप जैसा थीम दिया आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको थीम पसंद आया बट थीम का कलर पसंद नहीं आया तो आप थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे में आपका जो है ये सब में कुछ माइनर डिफरेंस रहता है भाई, बाकी चीजें भी सब सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी पट्टी अलग दिख रही है आपको, बट इसका यदि आप ये जो कलर है ये वाला एरिया इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, यदि आप ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका कलर भी चेंज कर पा रहे हैं, तो दिख रहे हैं, तो देखिए
अलग हो पा रहा है। हो गया, फंड पसंद नहीं आ रहा है, आप उसका फंड भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक चेंज करना चाहें तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा, आपका लिखावट है 3 का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जो मैंने आपका फूटर वाला जो एरिया है वहां पे चेंज कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें अभी तो आपका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, इफेक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। तीन सब चीजों को लिख दिया मैंने, बट हम मुझे जो है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे आप ये बस व्हाइट बैकग्राउंड ही सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं अपना इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए मैंने कलर की बात कर दी है, कलर वाला जो ऑप्शन है बेटा यहाँ से, तो आप अपने पेज का कलर जो है, थीम का जो कलर चेंज कर सकते हैं, थीम का फंड यूज कर सकते हैं, और थीम का इफेक्ट सेट कर सकते हैं। बट ये है कि भाई आपका जो थीम पसंद नहीं है आप उसको मत यूज करो, जो पसंद है उसको यूज कर लो, और फिर उसमें भी कुछ अपडेट करना चाहते हैं उसमें भी अपडेट कर लो। वो तो आपके अपने ऊपर आइए, तो सब फ्री अवेलेबल रहता है ये। ठीक है, ये सब चीजें आप यूज करके जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल मोड में ले आता हूँ, मुझे ये पसंद है तो मैं इस पर। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी आपकी, थीम में कलर, फंड और इफेक्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड मतलब भी देखो बेटा, जैसे ये सामने लिखा हुआ है और इसके जो पीछे जो है, जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो यदि आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो बैकग्राउंड में आप चले जाइए, वहां से आप क्या कर सकते हैं, जैसा आपको चुनना है उसके हिसाब से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या विशेष प्रकार का बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ की स्टाइल में जाइए। ये देखिए बेटा बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज हो रहा है क्या, ये देखिए अगर इसमें, ये देखिए ठीक है, तो ये बैकग्राउंड लिखावट वही है, बस उसका पीछे का जो है वो बैकग्राउंड आपका चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड मतलब वही है, पीछे का जो एरिया है उसको आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स को हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑप्शन में बैकग्राउंड वाले सेक्शन में दीजिए, बैकग्राउंड स्टाइल बैकग्राउंड का आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो आप यदि यहाँ पे जाएंगे यदि आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड मिलेगा। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके पास तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं बैकग्राउंड की स्टाइल में, आप जाके बैकग्राउंड का कलर सेट, जो कलर है आप यूज कर रहे हैं उसका आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे जाए, बैकग्राउंड स्टाइल में जाए, अगले से चेंज कर दे, ये हो गया आपका कहाँ से, तो आप इसको जो है बैकग्राउंड स्टाइल में जाके कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसी में एक ऑप्शन आपका क्या है, देख लीजिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले फिल और पिक्चर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो फिल में देखिए सॉलिड कलर से फिल करेंगे बेटा, तो पर्टिकुलर एक कलर जैसे ब्लैक करूंगा देखिए, तो पूरा ब्लैक कलर का आ गया, दिख रहा है आपको। आप यहाँ जाइए, कलर मिलेगा, आप इसको जैसे चाहते हैं वैसे कलर, ये सॉलिड कलर मतलब एक है, सिंगल कलर में ही पूरा आपका जो हो जाएगा। इसमें ग्रेडियंट फील है, तो ग्रेडियंट में देखिए आपको दो अलग अलग आपका कलर के हिसाब से, तो देखिए इसमें आप जाके ना इसको यहाँ से टाइप में जाते हैं, जैसे कि यहाँ से पहले आप कलर देखिए, कलर कौन सा पसंद है आपको, ये पसंद है ठीक है, लीनियर करेंगे तो लीनियर बेटा, रेडियल करेंगे तो रेडियल, रेक्टेंगुलर करेंगे तो रेक्टेंगुलर, ऐसे भी चीज है इसमें डिजाइन हो गई है। अभी कलर करने का है इसको, आप जो है आपको जो पसंद है आप उसको यहाँ से ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आप देख लीजिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं, जो भी पसंद है आप कर लीजिए। ग्रेडियंट कलर में क्या होता है, जो सॉलिड फील रहता है उसमें सिंगल कलर में रहता है, ग्रेडियंट वाले में थोड़ा सा डिजाइन के साथ और अलग अलग कलर के साथ आ जाता है। इसमें यदि आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर भी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, जो दिया हुआ है ये वाला अलग है, आप यदि अलग से चाहते हैं तो आप बिल्कुल अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइल में जाके जो है आप यदि अपना पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप अपना पिक्चर भी डाल के उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से उसी के अलावा यदि आप हाइड बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, आपको यदि देखिए बैकग्राउंड तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हो। तो और इसी में अच्छा रिसेंट नहीं बताया क्या, चलिए मैं एक्चुअली बता देता हूँ। जैसे देखिए जैसे मैंने यहाँ से ग्रेडियंट कलर डाला, अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर रिसेट करूंगा, तो बैकग्राउंड आपका रिसेट हो जाएगा। और यदि कुछ ग्राफिक्स वगैरह है, यदि आप यूज किया और आप बैकग्राउंड में से ग्राफिक्स को हटाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से हाइड बैकग्राउंड करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या हार्ड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करके यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पिक्चर में क्या होता है, यदि पिक्चर वगैरह सेलेक्ट किए रहते हैं तो पिक्चर का कलर वगैरह चेंज करना हो, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किसी पिक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पिक्चर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से जो हम लोग करते हैं ना पिक्चर का कलर वाले से वही ऑप्शन यहाँ आते हैं, देखिए पिक्चर का जो कलर है ना ये वापस। ठीक है, तो आप इसको भी करके देख लीजिएगा। तो डिजाइन में ज्यादा कुछ नहीं था, पेज सेटअप था, थीम था, बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड में आप यदि आप जाते हैं तो ये फॉर्मल बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको कुछ चीजें और मिल जाती है, इसको भी आप करके देख लीजिएगा।
ठीक है, ये सबको आप करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, जिससे क्या होता है आपके एक रिवाइज हो जाता है। यदि वो चीज नहीं पता तो एक बार उसको खोल के आप स्क्रेड लिस्ट पढ़ेंगे तो सही है ना। और वीडियो देखने पर आप लोग लाइक मिल जाते हैं, ये चीज आप सबको हो सकता है जरूरी है। और आप लोग जो है मेरी शिकायत को थोड़ा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल सब्सक्राइब करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।